मेरे सभी प्यारे दोस्तों को प्रेरणा का प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? हर रोज नई नई कहानियां सुन रहे हैं ना दोस्तों? जरूर सुन रहे होंगे, है ना दोस्तों? चलो तो फिर आज सुनते हैं एक नई कहानी। आज की कहानी का नाम है लोमड़ी और कौवा। एक लोमड़ी दो दिन से भूखी थी। वो भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी। दिन भर भटकने के बाद भी उसे भोजन नसीब नहीं हुआ। वो थक कर चूर होकर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो सुस्ता रही थी, ठीक उसके सामने के पेड़ पर कुछ देर बाद एक कौवा आकर बैठ गया। उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वो उस रोटी के टुकड़े को हासिल करने का उपाय सोचने लगी। उपाय दिमाग में आते ही वो उस पेड़ के नीचे पहुंची और कौवे की प्रशंसा के फूल बांधते हुए बोली, कौवे भाई, तुम कितने सुंदर दिखते हो। मुझे पता है कि तुम इस विश्व के सबसे सुंदर पंछी हो। तुम जैसे तो कोई भी नहीं। अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा खुशी से फूला नहीं समाया, किंतु वो मौन रहा। कौवे भाई, तुम्हारी आवाज का तो कहना ही क्या, वो तो बहुत सुरीली है। क्या मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं तुम्हारा गाना सुन सकूं? अब कौवे से रहा नहीं गया। वो गाना सुनाकर लोमड़ी से और तारीफें बटोरना चाहता था। वो भूल ही गया कि उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है और वो गाना गाने लगा। उसका मुंह खुलते ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी तो इसी का इंतजार कर रही थी। उसने झट से वो रोटी का टुकड़ा लपक लिया और वहां से चली गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मुझे जरूर बताना। हम सभी प्यारे दोस्तों को एक साथ जोड़ने के लिए मैं आरती नाइक चेंज मेकर इनकी बहुत ही आभारी हूँ। धन्यवाद।